Hi everyone, welcome, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see ki third party situation में क्या चल रहा है. It's a requested video. So first pile है यहाँ पे ये यह Saturn और second pile है Camel. इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप meditation करके choose कर, कर लीजिए. Thank you so much. है वेलकम बैक पायल नंबर वन तो जिन्होंने भी सैटर्न चूज़ किया ये इंसान कैप्रिकॉन आप हो सकते हो सैटर्न का प्लेसमेंट हो सकता है मतलब इनके हर किसी के चार्ट में होता है बट कैप्रिकॉन का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं सन मून राइजिंग में प्रोमिनेंट होगा इस इंसान के ये आपके घर के आसपास रहते होंगे मे बी पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है या फिर आप फैमिली फैमिली एक दूसरे को जानते हो ऐसा भी हो सकता है तो ये रेजनेट करेगा तो फिर हम आगे की ओर रीडिंग में जा सकते हैं ओके सो लेट सी कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में ओके सो द फर्स्ट कार्ड इज़ इनोसेंस सो दिस पर्सन इज लूजिंग देयर इनोसेंस इनका जितना भी इनोसेंट इनर चाइल्ड सब कुछ वॉन्टेड हो गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे इन्होंने वो हंसना खेलना मस्ती करना एंजॉय करना वो सब जा रहा है इनका दे आर बिकमिंग मोर एंग्री गुस्से वाले या फिर एक बहुत रिजिड इंसान बनते जा रहे हैं ये पर्सन वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे एक चाइल्ड हो सकता है इस पर्सन का लैम्प है ना यहाँ पे तो ये जो थर्ड पार्टी है ये चाइल्ड की वजह से मे बी इस पर्सन को रिलीज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे पीस है ना तो इनका पीस सारा वहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है इन दोनों के साथ ये कोई भी हो सकते हैं ओके या ये मदर एंड चाइल्ड का एक हिसाब किताब हो सकता है इनकी मदर की वजह से कनेक्शन पूरी तरह स्टक हो चुका है और ये अपना इनोसेंस खो रहे हैं अपना पीस खो रहे हैं वहाँ पे कोई चीज़ है you यू know, नो ठीक नहीं चल रही है फेटेड टू तो सफ़र तो ये इंसान सफ़र कर रहे हैं इस इंसान के साथ अब ये लेडी जो है बहुत ओल्ड है ये यहाँ पे ना एक एप्पल इसको पकड़ा रही है इस लड़की को हो।, हो सकता है ये इंसान इन पर फूड मैजिक करते हो जो भी थर्ड पार्टी है इट कुड बी अ वाइफ इट कुड बी अ मदर इट कुड बी अ ओल्डर लेडी इनके फैमिली में इनको ये एप्पल में इंजेक्ट करके या फिर यू नो कोई मैजिक करके इनको खिला रहे जिस वजह से ये पर्सन का माइंड वैसा होता जा रहा है कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रही ट्वेंटी फाइव इनकी एज हो सकती है अभी राइट नाउ तो ये सफरिंग में है इस थर्ड पार्टी के साथ ये थर्ड पार्टी इज़ लाइक डूइंग सम फूड मैजिक तो खुद से खुद से, से खाना इनको बनाना पड़ेगा खुद ही अपना सब कुछ करना पड़ेगा देन ओनली दिस पर्सन कैन कम आउट ऑफ इट कहते हैं ना कि वंस यू डू अ मैजिक ऑन समबडी किसी की भी आप मैजिक कर रहे हो तीन साल के बाद यू विल सफ़र अ लॉट यू विल गो थ्रू हैक एंड बैक अगर आप कर रहे हो तो अगर आप नहीं करते हो तो ये जो थर्ड पार्टी है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सफ़र यहाँ पे फेटेड है ना फेटेड सफरिंग इनको मिल सकता है कोई भी हो एनी बडी हु इज़ डूइंग रॉन्ग डीड्स ओके यहाँ पे ये देन अगेन यहाँ पे चाइल्ड आ गया मदर चाइल्ड का डायनेमिक हो सकता है कंट्रोलिंग मदर नार्सिसिस्टिक साइडिस्टिक मदर कु भी टॉक्सिक फैमिली मदर ऐसा कुछ हो सकता है या टॉक्सिक डायनेमिक हो सकता है इन दोनों का या फिर ये जो थर्ड पार्टी इनके साथ इनका एक किड है सन हो सकता है पॉसिबिलिटी है या बेबी बर्थ या अभी अभी बेबी बर्थ हुआ है या होने वाला है समथिंग लाइक दैट थर्ड पार्टी uh, बर्थ देने वाले हैं ऐसा कुछ हो सकता है इनका न्यू बिगिनिंग या कोई नया बिज़नेस इन्होंने शुरू किया हुआ ऐसा पॉसिबिलिटी है बट यहाँ पे वही दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ द चाइल्ड ओनली दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ओके इनको अटेंशन तो चाहिए आपसे बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द किड या फिर बिकॉज ऑफ द मदर दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यूट यहाँ पे वही दिख रहा है इस इंसान का इमोशनल मेचोरिटी पे ये लोग मैजिक करते हैं सो दैट इंटेलेक्चुअल मैचोरिटी पे तो जिस वजह से ये पूरी तरह पूरी तरह ये फंस चुके हैं और ये कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कहीं ना कहीं इनका इनर चाइल्डहुड वुंड होगा इनके पेरेंट्स के साथ इनकी बनती नहीं हुई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पे इनका मैरिज हो गया किड हो गया ऐसा भी पॉसिबिलिटी है वो आप देख लीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा इस इंसान का सनसाइन लीबरा जमना एक्वेरिस स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है स्पेशली लीब्रा ओके यह पॉसिबिलिटी है ओके या सो ये पर्सन ना एक्शन लेना चाहता है नाइट ऑफ शॉर्ट्स के साथ आप दोनों के बारे में बहुत गॉसिप चलता है इनके खुद की फैमिली में चलता होगा मदर की तरफ से चलता होगा या फिर इनके थर्ड पार्ट पार्टी की तरफ से आपके बारे में गॉसिपिंग चलता है दोनों के बारे में नाइट ऑफ शॉर्ट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे स्पेशली यह फादर एंड मदर ओके वो यहाँ पे दिख रहा है जो दिख रहा है वो मैं बता दूंगी आपको यू नो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे नाइट ऑफ शॉर्ट्स के साथ इन इनका ना एक एग्रेसिव बिहेवियर है आपके साथ आपके साथ बहुत एग्रेशन या फिर गुस्सा दिखाया होगा इन्होंने नाइट ऑफ शॉर्ट्स उसी की बात करता है एग्रेसिव टॉकिंग हुआ होगा आप दोनों के बीच में विट इस लाइक आपको लाइक चीज़ है ठीक नहीं बैठ रही आप दोनों के बीच में चैरिएट है आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये ओके okay, इनके पास ब्लैक या वाइट कलर की गाड़ी हो सकती हो है स्कॉर्पियो हो सकता है फिर कोई और महंगी गाड़ी हो सकती है कोई बी एम डब्ल्यू या फिर पॉश या फिर कुछ भी एनीथिंग लाइक like, बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है इनके पास ओके okay. चैरियट है ना तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं फूल के साथ आना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ द पेरेंट बट बिकॉज जब तक ये इस कनेक्शन से नहीं निकलेंगे ये इंसान डिवोर्स के थ्रू नहीं गुजरेंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकता किंग ऑफ शॉर्ट्स के साथ ओके दैट्स यहाँ पे दिख रहा है देखिए फूल के साथ मैजिक तो हो रहा है यहाँ पे हंड्रेड परसेंट क्योंकि फूल एक मैजिक का कार्ड है फ्लावर मैजिक हो, हो सकता है फूड मैजिक हो सकता है यू नो बोल के कुछ मैजिक्स होते हैं ना कि एक चीज को रेपिटेटिव करना बोलना उस वजह से रिटर्न मैजिक हो सकता है लिखते होंगे कि ऐसा आप दोनों का वो हो जाए फाइनलाइज हो जाए आप लोग अलग अलग हो जाए ऐसा कुछ हो सकता है बट यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि किंग ऑफ सोट्स लास्ट कार्ड है और पहला कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ट्स है कम्युनिकेशन से सीधा किंग ऑफ सॉर्ट्स लास्ट एंडिंग तक आ रहा है मीनिंग ये कनेक्शन इनका थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो जाएगा आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है जब तक इनके फाइनेंस एंड करियर ठीक नहीं होता तब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते इनके फाइनेंशियल बहुत इश्यूज होंगे थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा मनी मांगते होंगे इस चाइल्ड की वजह से या फिर ये मदर इनको बहुत कंट्रोल करके इनसे मनी मांगती होगी इनका फाइनेंस और करियर ठीक नहीं चलता है यहाँ पे बहुत ये आपके लव लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हो सकता है इन्होंने किसी से उधार लिया हो बहुत बड़ा अमाउंट okay, हो के लाखों में विच दिस पर्सन हैज़ टू पे ओके बट एट अगेन थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो थर्ड पार्टी इनको फोर्स कर रहा है कि आप उनको सब कुछ लिख के दे दो तो फिर दिस पर्सन डजेंट हैव एनी थिंग ओके तो वो आपकी तरफ खाली जीरो से तो नहीं आ सकते रहे तो इनको जब तक ये फाइनेंस ठीक नहीं कर लेते थोड़ा बहुत तब तक नहीं आ सकते इंसान आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा देंगे थर्ड पार्टी सेल्फ रेस्पेक्ट इन रिवर्स आया था इसमें आया ना इसी वजह से तो इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे इन फ्यूचर दिस पर्सन विल हर्ट देर सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसी कुछ बातें बोल के ऐसा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं इनके ज़िंदगी में जिससे इनका फाइनेंस और करियर काफ़ी आगे आएगा यू you नो know, इनको कोई अचीवमेंट मिल सकता है ग्रेट कोई अवार्ड मिल सकता है इनका नाम हो किसी चीज़ में ओके वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ ऐसा बना लेको हो सकता है ये बहुत फेमस हो कुछ लोगों के लिए सबके ले नहीं है अगर कैंसर है तभी दैट्स इट अदरवाइज नो ओके अगर लीब्रा है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है सो मेनी पीपल नो दिस पर्सन कोई कंपनी के सीईओ बहुत क्लाइंट बेस हो बिक वो अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही समथिंग लग सो दिस पर्सन इज अबाउट टू अचीव अ लॉड ऑफ थिंग्स जिस वजह से ये आपकी तरफ आ जाएंगे आपको सिर्फ फाइट लाइट मेडिटेशन करना है थर्टी सिक्स इनकी एज आपकी हो सकती है अभी राइट नाउ या वाइट कलर के कपड़े पहने यही बोला जा रहा है वैसे तो एडवाइस मैंने निकाला हुआ बट स्टिल वाइट लाइट मेडिटेशन इज़ एडवाइस फॉर मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो लोग को थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत डार्कनेस आ गया दैट्स व्हाई यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अदरवाइज़ आप इस इंसान से पहले ही मिल जाते थर्ड पार्टी के आने से पहले तो वाइट लाइट मेडिटेशन आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं वो म्यूज़िक लगा के आपको आपके क्राउन चक्र से आपके सेक्रल सॉरी सेक्रल नहीं रूट चक्र तक रूट चक्र तक मेडिटेशन करना है तो आपको ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं नंबर थर्टी टू आने वाले वक्त में आपको होप रखना चाहिए थर्टी टू आपकी एज हो सकती है इतना डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में होप रखना चाहिए इंसान आएंगे ओके okay? कैंडल हम क्यों जलाते हैं होप के लिए राइट right? जब लाइट चली जाती है तब हम कैंडल जलाते हैं राइट सो इट मीन्स होप रखिए रोशनी आएगी एंड दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू दैट्स बड़े यहाँ पे दिख रहा है आपके मैसेजेस देख लेते हैं आई रिग्रेट इवन लॉस द फ्रेंडशिप विद सो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया आपने इनको कर दिया इन्होंने आपके साथ जो दोस्ती भी थी ना है हेलो वो भी ख़त्म कर लिया है शायद बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी बहुत प्रेशराइज करता होगा चिल्लाता होगा बदतमीजी करता होगा यू नो आप पे मैजिक करता होगा समथिंग लाइक दैट तो तो मैंने बता ही दिया फेटेड टू तो सफ़र लिखा है ना इफ़ यू डू मैजिक ऑन अदर पीपल यू आर फेटेड टू सफ़र फुल्ली कम्प्लीटली तो ऐसा कोई भी काम ना करे ओके okay. आप कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए मैनिफेस्टेशन वर्क करते रहे मेडिटेशन वर्क करते रहे वो आपके लिए बेटर रहेगा या फिर प्रेयर्स करते रहिए या फिर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं हेल्प ले सकते हैं मंदिर के बाहर जो बैठे उन लोगों okay? so, के ओके तो कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती भी ख़त्म हो गई आपसे इन थर्ड पार्टी की वजह से और इनको बहुत रिग्रेट है उस चीज़ का आई विश आई कुड रिवाइंड एवरी थिंग एंड डू बेटर दिस टाइम तो इनको ये सब कुछ रिवाइंड करके सब कुछ पहले जैसा करना है तो उसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ से निकलना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा ओके okay? और ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं कही कहीं ना कहीं वॉट आई एम टूडे इज़ बिकॉज ऑफ़ यू सो ये जितना भी आज तक ये बने हैं ना इनके अंदर बेटरमेंट आया है चेंजेस आया है गुड आया है कुछ इनके लाइफ में वो बिकॉज ऑफ़ यू है ओके नॉट बिकॉज ऑफ अदर पीपल या फिर थर्ड पार्टी या फिर कोई भी इनके दोस्त हो उनकी सबकी वजह से नहीं है आपकी वजह से दिस पर्सन हैज़ बिकम अ बेटर वर्सन ऑफ देम सेल्फ ये वो बोलना चाहते हैं आपको सो so, नंबर थर्टी टू यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है थर्टी टू नंबर आपको हर जगह दिखेगा ट्रिपल सेवन नंबर जुलाई में इनका बहुत ज़्यादा है ट्रिपल सेवन नंबर भी आपको हर जगह दिखेगा पॉसिबिलिटी है इंसान बहुत साइकिक और इंट्यूटिव हो सकते हैं इनको सब पता है ओके थर्ड पार्टी के बारे में थर्ड पार्टी इज़ नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ गुड पर्सन ओके वो उनको डीमिन करते होंगे कि ये काम बोला था वो काम नहीं किया आपने सुबह से ओके okay, ये सब बोलेंगे उनको क्योंकि वो नीचे करना चाहते होंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ओके एडवाइस के तौर तो पे देखें तो मेक अ मील तो आप जैसे मैंने बताया था मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना ओके कुछ भी उनको पसंदीदा चीज़ें या फिर मंदिर में आपके खुद के घर के मंदिर में कुछ भगवान जी की पसंदीदा मीठी चीज़ें बना के उनको खिलाना वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा बोथ ऑफ तो यू के उसके अलावा आप अपने खुद के हाथ से खाना बना के चर्च के बाहर मंदिर के बाहर लोगों को खाना खिला सकते हैं ओके Uh, ये सारी चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी बट मेक अ मील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेक अ मील खुद के हाथों से या फिर आपके मदर के हाथों से किसी के भी अब मील बना के लोगों को बांटना उससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस इंसान को वहाँ से थर्ड पार्टी से निकालने में सो दिस वॉस योर रीडिंग आई होप यू एन्जॉय इट एंड लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते हैं फाइल नंबर टू की तरफ हाई वेलकम बैक फाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये चूज के क्या मेल ये इंसान राजस्थानी हो सकते राजस्थान से हो सकते हैं वहाँ पे इनकी मदर राजस्थानी हो सकती कुछ लोगों के भी, भी। थर्ड पार्टी में है अगर आप तो के ये इंसान कोई ठंडे इलाके से हो सकते है पैनगिन है ना पेनगिन हमेशा ठंडे इलाके में पाए जाते हैं जो पैनग्यून होते हैं ना वो अपने पार्टनर के साथ ना बहुत टाइम तक रहते हैं जब तक उनके साथ उनका पार्टनर है वो बहुत जलते हुए हैं सो so, ये इंसान आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे मे बी थ्री ईयर्स में भी सेवन ईयर्स में भी काफ़ी टाइम से ओके और फिर वो अपने जब वो उनका पार्टनर डेड हो जाता है तो ये ख़ुद भी डेड हो जाता है ऐसा कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हो ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहे हैं यूनिकॉर्न तो ये इंसान को आप बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं ओके ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं ये सारी चीज़ें हो सकती वो आप देख लीजिएगा आपसे मैच किया तो रीडिंग में हम लोग वी कैन मूव फॉरवर्ड ओके द फर्स्ट कार्ड इज मिररिंग तो आपके साथ जो हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है सेम ओके okay. इनके लाइफ में वो डिफ़िकल्टीज हैं आप दोनों कैमरा के साथ काम करते होंगे ऐसा पॉसिबिलिटी है वीडियोग्राफी करते होंगे या फिर फोटोग्राफर हो सकते हैं या फिर इनके जीवन में जो भी पिक्चराइजेशन चल रहा है ओके नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है यहाँ पे तो जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो उनकी लाइफ में भी चल रहा होगा ओके आपके लाइफ में दुख है तो उनके भी है सब कुछ सेम चलेगा आपके लाइफ में आपको गुस्सा आ रहा तो उनको भी आ रहा होगा ये सारी चीज़ें सेम सेम चलेगी होगी तो बट थर्ड पार्टी सिचुएशन में मिररिंग चल रहा है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिरर आपके साथ कर रहे होंगे नॉट विथ थर्ड पार्टी आई डोंट थिंक सो क्योंकि मिरर कर रहे होते वो दोनों एक दूसरे को तो वो थर्ड पार्टी वाले रीडिंग में नहीं आते आप ओके प्लेफुलनेस थर्ड पार्टी उनको व्यू वू करने की कोशिश करते होंगे प्लेफुल होने की कोशिश करते होंगे दिस पर्सन इज़ सिटिंग ऑन अ मशरूम ओके तो प्लेफुल होने की कोशिश करते होंगे यू नो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते होंगे पैशनेट कनेक्शन बट वो बनता नहीं है बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू राइट या सो so, यहाँ पे बटरफ्लाई है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चल रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्वेंटी नाइन आपकी एज इनकी हो सकती है एंगर एंड चेन इस इंसान को थर्ड पार्टी के साथ बहुत गुस्सा आता है चेंड फील करते हो लियो हो सकते है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे शेयर बना हुआ है ना पॉसिबिलिटी ओनली फॉर फ्यू पीपल सबके लिए नहीं है बट इज लियो टॉरस वर्गो कैपरकॉन इस रीडिंग में हैवी है ओके है, आप देख लीजिएगा ये इंसान चेंड है वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बंधनों में रखते होंगे वहाँ पे थर्ड पार्टी में ओके इनको गुस्सा दिलाते होंगे बट ये दूसरे रूम में चले जाते होंगे ये इधर उधर भागते होंगे ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके इनके पीछे पीछे दौड़ते होंगे बहुत चिल्लाहट होता होगा बहुत पूरी दुनिया को सुनाते होंगे कि ये हो गया वो हो गया ऑल दिस सो मेनी बिगर एक्सपेक्टेशन ओके हेड टू टो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो सारी चीज़ें हो सकती हैं एक इंसान इग्नोर करता होगा एक इंसान गुस्सा दिलाने की प्रोवोक करने की कोशिश करता होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके ऐसा हो सकता है एंगर एंड चेन है ना दैट्स वाई नेक्स्ट आगे फीलिंग ट्रैप्ड ये थर्ड पार्टी के साथ ट्रैप्ड है ऐसा फील करते होंगे लाइक अ बेबी सिटिंग लाइक दिस सैड आइसोलेटेड नॉट हैप्पी खुश नहीं हमेशा एक अकेलापन सा फील होता होगा एंगर दिलाते होंगे इनके साथ फिर यू you नो know, सेक्शुअल uh, कनेक्शन बनाते होंगे मिरर करने की कोशिश बट वो हो नहीं सकता ना क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज एंगर और चेन आता ही नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान क्रश्ड फील करते हैं इनको जेल भेजने की धमकियाँ देते होंगे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यू पीपल वैसे तो यहाँ पे या खुद को जेलिंग वाली पेंटालिटी में रखते होंगे ये डर के मारे ओके okay? uh, ऐसा लगता होगा इनको कि ज़िंदा है लेकिन इनको बरी कर दिया किसी ने ओके ज़िंदा गाड़ दिया कहीं पे भी ओके समझ लाइक इनके ड्रीम सारे ख़त्म होते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ इनको पूरी तरह स्क्वीज़ कर लेते हैं थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी मॉर्निंग से लेके नाइट तक इन पर नज़र रखते हैं इनके आसपास के लोग इनको बताते होंगे कि ये इंसान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इन पर कैमरा आ गया ना पहला कार्ड यहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा था इधर खड़ा था वो कर रहा था ये कर रहा था ऑल दीज थिंग्स नोटं की बाजी चलती होगी पूरी तरह इन पे वॉचिंग रखते हैं सबके सब कि सब वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था या कहीं तो खड़ा हुआ था कुछ ऐसे फालतू की बातें बोलते होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में टेन ऑफ वॉन्ट्स नेक्स्ट है टेन ऑफ व्हील्स देन आ गए किंग ऑफ कप्स देन आ गया पेज ऑफ व्हील्स सो प्रोबेबली टॉरस वो प्रॉबेबली टॉरसर एरि यहाँ पे हैवी है कैंसर भी हैवी है कुछ लोगों के लिए ओके okay. कि कैंसर सनसा यहाँ पे भी आ गया तो फर्स्ट पाइल का यहाँ पे सेकेंड पाइल भी आप देख सकते हो जिन्होंने फर्स्ट पाइल देखा टेन ऑफ वर्न दिस पर्सन इज़ बर्डनड वहाँ पे ओके इन थर्ड पार्टी सिचुएशन बर्डनड है ये इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दिया है या फिर ये इनकी फैमिली जो है इनके मदर फादर वो इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है ओके okay. यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ट्स आ गए ना दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन बिकॉज आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है पेज ऑफ व्हील्स एंड किंग ऑफ कप्स का कॉम्बो अगर आ गया तो एज में डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी में ये हो सकता है फॉर टेन पर्सन पीपल दिस इज अ मैरिड कपल पॉसिबिलिटी है एंड हैविंग अ बॉय चाइल्ड सिंगल बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड टॉरस इस बच्चे का सनसाइन हो सकता है टॉरस फिरगो कैप्स ओके ये हो सकता है सिर्फ टेन परसेंट बाकी सबके लिए फ़ैमिली इशू नज़र आ रहा है स्पेशली इनके फादर इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है मे बी इनकी मदर से बनती हो ओके बट दिस कनेक्शन इज़ कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द मनी बिकॉज ऑफ़ द पोजिशन बिकॉज ऑफ द यू नो स्टेटस ये कनेक्शन कहीं जा नहीं रहा इन इनको इनकी बात सुननी पड़ती है बिकॉज इनका सारा मनी का एक्सेस मदर फादर के पास हो सकता है पॉसिबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू सब लोग नहीं देते हैं फाइनेंस बट कुछ लोग देते हैं आज भी राइट right? सो दैट इज़ द रीज़न और फिर जिन लोगों का मैरिड है ये लोग कपल इनका एक किड हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है सो दिस पर्सन इस लाइक इमोशनली मेच्योर बट आपके लिए बहुत इमोशनल है किंग ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ फील्स के साथ दे वॉन्ट टू कम एंड ऑफर यू अ टेन ऑफ पेंटिकल ओके बट जब तक ये टेन ऑफ ऑन से निकलेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें हो नहीं सकती आपके साथ क्या फीलिंग्स हैं इनकी तो प्लेट प्लेफुलनेस दे वॉन्ट टू यू नो स्विंग लाइक दिस आपके साथ चीज़ें हो सकती है, आपको यू नो दे वॉन्ट टू लुक इंट योर आइज ओके आपके साथ समय स्पेंड करना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ओके दे वॉन्ट टू फंड हैव फन विद यू ओके राइज एंड शाइन विध यू ये सारी चीज़ें हैं इनके बल घुंगे हो सकते हैं फॉस लॉड ऑफ यू ओके पॉसिबलिटी है पॉसिबलिटी okay, है ओके okay, ये सारी चीज़ें हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये कमिटमेंट टूटने वाला है कमिटमेंट इन रिवर्स दिस पर्सन विल लीव दिस फैमिली और लीव दिस कमिटमेंट uh, अगर कमिटमेंट में है तो कोई पेपर uh, वर्क है इनका घर के साथ कोई वो यू नो लीगल मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू चल रहा है किड को लेके तो दिस पर्सन हैज़ टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दिस पर्सन हैज़ टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दिस इवेंट इज कमिंग विद इन थ्री मंथ कुड बी मार्च ओके ऐसे दिखते होंगे शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन हैज़ टू लीव दिस कमिटमेंट देन यू बोथ कैन बी टुगेदर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर ये इंसान आप से रिजॉल्व करना चाहते हैं जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में हुए आपको एम्पताइज करना चाहते हैं या फिर आप इनको पहले करते थे आपने बंद बंद कर दिया एम्पताइ करना नाउ दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू दे वॉन्ट टू शो कम्पैशन एंड एम्पति टूवर्ड्स यू ओके या दैट्स फॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है मे बी आप दोनों का टेन ऑफ के साथ दस महीने पहले या फिर दस दिन पहले या फिर दस वीक्स पहले ये कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है ना यू आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स रेनबो अब आने वाले वक्त में ट्वेंटी एट आपकी जिनकी हो सकती है रेनबोस आने वाले हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप रेनबो कपल हो एल जी बी टी क्यू से हो कुछ लोगों के लिए सबके लिए नहीं है नाउ दिस कनेक्शन वुड बी लाइक रेनबो ओके आपकी जीवन में रेनबो ले आएंगे सारे कलर्स ले आएंगे ये इंसान पहाड़ी हो सकते है कुछ लोगों के लिए नॉट फॉर एवरी वन ओके सब लोग वहाँ से नहीं हो सकते बट स्टिल दिस पर्सन वुड बी इन फार अवे प्लेस सबसे दूर दूरियों में हो सकते हैं ऐसी जगह पर रहते हो ओके सम ऑफ यू देन कमिंग वन मंथ में ये इंसान का न्यू बिगिनिंग होगा आपके साथ ओके वन किड्स हियर वो आपको देखना है आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं या फिर आपके साथ भी इनका यू नो इन फ्यूचर एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है मैरिज हो सकता है कीडा सकता है ये सारी चीज़ें हैं बट दिस पर्सन हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस कमिटमेंट या फिर दिस फैमिली ड्रामा ओके okay? दैन चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर दिख दिख रहा है मैसेजेस की तरफ चले तो थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल सो इस इंसान के जीवन में आप इनके लाइफ में स्माइल लाते हो मे बी यू आर वेरी हसमुख या फिर आपकी बातें आपका और आपका डेफिनेशन ऑफ लाइफ वो सब अलग है यू नो यू आर मोर स्पिरिचुअल दिस पर्सन इज़ मोर रिलीजियस अ पॉसिबिलिटी तो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और जो रिलीजियस होते हैं वो ज़्यादा खुश खुश नहीं रहते वो बस ऐसी नाटक करते रहते हैं ये होगा वो होगा कुछ नहीं होता फिर उनकी लाइफ में ठीक है ना सो यू ब्रिंग लॉर्ड ऑफ स्माइल ओके इनके चेहरे पे बहुत हंसी खुशी सब लगती है यू विल मेक मी मैड इन योर लव इनको लगता है कि आप इनको पागल कर रहे हो अपने प्यार में समथिंग लाइक दैट ओके इनको पागल होते जा रहे हैं ये इनका माइंड ठीक नहीं रहता इनको नींद नहीं आती होगी दे आर गोइंग क्रेज़ी फॉर यू उनको लगता है कि मैं आप आपकी बिना ये इंसान रह नहीं सकते वो मैड होते जा रहे हैं ओके उनको गुस्सा आ रहा होगा उन्होंने गुस्से से स्कूटी फोड़ दिया होगा समथिंग लाइक दैट उन गुस्से से सारे सामान उठा के फेंक दिया होगा या फिर फ़ोन फेंक दिया होगा समथिंग लाइक दैट वाई डिड यू डू दिस टू मी अब वो सारा ब्लेम आप पे डाल रहे हैं ओके वो बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है बट ऐसा नहीं है वॉट एवर हैपन्स किसी की लाइफ में कुछ भी होता है वो उनके खुद के कर्मा की वजह से है नॉट बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स कर्मा या अदर पीपल में भी कार्मिक अकाउंट हो सकता है हल्का फुल्का बट दैट डजेंट मीन कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ अप्लाई uh, हो रही है या फिर लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है वो उनके खुद की वजह से है बट वो पूरा ब्लेम आप पे डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ये सारा चीज़ें उनको सहना पड़ रहा है एंड ऑल दैट आपके पास्ट के कर्मास हो सकते हैं आप दोनों ने बहुत कर्मा जोड़ा हो सकता है पास्ट लाइफ में दैट्स वाई उनको ये सब सहना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ ये वो पूरा ब्लेम आप पे डाल रहे हैं ब्लेम गेम चलता होगा आप दोनों के बीच में कमिटमेंट uh, को लेके यू uh, नो you know, वार्तालाप को लेके इट्स नॉट वेरी इट्स नो इट्स नॉट गोइंग वेरी हेल्दी एंड वेल्दी ओके ये कनेक्शन ट्वेंटी टू आपकी एज इनकी हो सकती है मेडिटेशन वर्क यहाँ पे बोला जा रहा है एनर्जी वर्क आपके सारे ही चक्रास ब्लॉक्ड होंगे मोस्ट प्रोबली सैकड़ चक्र भी आपको मेडिटेशन करना है सारे ही यहाँ पर यही बोल रहा है एनर्जी वर्क करने की ज़रूरत है आपका जो एनर्जी फ्लो है वो डाउन होगा एनर्जी फ्लो अप ले जाना है आपको क्राउन तक लाना है तब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे विद इन अ मंथ ओके उसके अलावा ऐसे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं साधना कर सकते हैं खड़े होके भी कर सकते हैं जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले कर सकते हैं यू कैन डू स्लीप मेडिटेशन एज वेल बट बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है वो जैसे ही आप स्लीप मेडिटेशन में जैसे मैंने कल किया था अगर आप बहुत देर जाते हैं उसमें तो देन यू विल गो इन टू अ डीप स्लीप ओके तो वैन यू गो इन टू डीप स्लीप देन वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है तो बहुत देर मेडिटेशन अनिवार्य नहीं है फ़िफ्टीन मिनट्स हाफ एन आवर वन आवर इज़ मोर देन इन्फ कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कुंडली नहीं अवेकिन हो गया तो आप पागल हो जाओगे यू विल गेट मैड सो फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स थर्टी मिनट्स इज मोर देन इनफ उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मीनिंग आपको फैमिली लाइफ चलाना है आने वाले वक्त में तो उतना आवश्यकता नहीं है अगर आप सन्यास की तरफ जा रहे हो तो फिर तो ये रीडिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है राइट सो मेडिटेशन वर्क आपको करना है लिटिल लिटिल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं कर सकते आंखें बंद करके बैठ जाइए जस्ट सिट डाउन क्लोज योर आइज सिट डाउन हाफ एन आवर अपने साथ बैठिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट डाउन मैनिफेस्टेशन वर्क कीजिए दैट यू बोथ आर मैरिड ओके बाकी यहाँ पे मैं एक नंबर दे दूँगी वो नंबर आप लेफ्टन साइड में लिख सकते हैं अपने हाथ में जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए जिससे कि आपको ये इंसान यहाँ से निकल के आपकी तरफ आ जाए या दैट्स पॉड यहाँ पे यही दिख रहा है सो दिस वाज योर रीडिंग आई होप यू एन्जॉय इट प्लीज लाइक शैंड सब्सक्राइब इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल गो हैड एंड गो फॉर सेम थैंक यू सो मच आई लव यू सी इन द नेक्स्ट चाओ